हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये हमारी इंग्लिश की बेटा सेवन्थ क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट के जो सीरियल नंबर है वो है 28 और जो हमारी डेट है वो है 18 जनवरी 2021। ठीक है, तो बच्चा 21 है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर दीजिएगा। जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें चल रहा है वो एशेज दैट मेड द ट्री ब्लूम। जब हमने लास्ट वर्कशीट तक हमने पढ़ा था कि जो एक क्रियोल जो कपल था उन्होंने क्या डॉग को क्या है बहुत मारा था और उसको एक पाइन ट्री के नीचे क्या है दबा दिया, तो उससे आगे ही हम क्या है आज एक कहानी जो पढ़ते हैं और समझते हैं और क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं कि द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हीज पैट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हीज ऑन चैट। जो ओनर था जो जिसका वो डॉग थे जो कपल जो है वो जब उनकी पैट की जब डेथ सुनता है तो बहुत उस पर वो क्या है पछतावा, मतलब बहुत ही उसे दुख होता है ऐसा कि जैसे कि वो खुद का उसका बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री और वो क्या है जो पाइन ट्री होता है उसके अंदर रात को क्या है उसके नीचे वो जाता है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। वो क्या है कुछ जो बैम्बू ट्रीज होती है उसके वहाँ पर बोता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, ये जो है ठीक है सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर। जैसे कि टॉम में मतलब जब कब्र होती है वहाँ पे रखते हैं वो फ्रेश फ्लावर। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव। वो क्या है वहाँ पे ग्रेव के पास एक कप ऑफ वाटर मतलब एक वाटर का कप, ये वाटर का कप रखता है, खाने की ट्रे रखता है ग्रेव के पास। एंड ब्रॉट सम कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, मतलब इंसेंस क्या होता है जो अगरबत्ती होती है ना वो कॉस्टली वहाँ पे वो क्या है ब्रूड मतलब जलाता है, मतलब जैसे होता है ना यहाँ पे ऐसे वो रख देता है। ही मॉर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हीज पैट। वो अपने जो पैट होता है उसे बहुत ही मतलब दुख होता है, उसको सोरो होता है, बहुत होता है। कॉलिंग ही मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। उसमें क्या वो बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से उसको बुलाता है जैसे कि जब जो वो जिंदा था उसको वो बुलाता था। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम। उसी रात क्या है जो स्पिरिट मतलब जो उसकी आत्मा होती है डॉग की उसके जो उसका ओनर होता है उसके सपनों में आती है। एंड सेट और उसे कहती है कि कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, के जो मेरे ग्रेव के पास क्या है पाइन ट्री को काटो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टल फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उससे क्या है अपनी राइस पेस्ट्री के लिए एक मॉर्टल बनाओ। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी बीन सॉस के लिए एक मिल बना। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। ठीक है, तो उसको ये सपने में आके कहता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है मैच द फ्लोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग। वर्ड क्या ओनर, ओनर का मतलब क्या होता है कि समवन हु ओन्स अ पोसेसेस समथिंग, मतलब जो मतलब कुछ रखता है ठीक है वो उसका मीनिंग होता है वो ओनर कहलाता है। जैसे मेरे पास कार है तो मैं कार की क्या ओनर हूँ। जैसे डॉग था, डॉग का जो ओनर था मतलब उसका जो उसका मतलब उसका कह रहा था कि मेरा है वो उसका ओनर होता है। मॉर्टल मतलब कि एक वेसल इन विच हम यूज, मॉर्टल नहीं होता जैसे आपको घर में मामदस्ता जिसको बोलते हैं उसमें जब किसी को हम क्रश करते हैं वो होता है मॉर्टल। मॉर्न मतलब क्या होता है फील सॉरी फॉर अ डेथ। ठीक है, ये क्या है ये रहा फील सॉरी और शो सोरो फॉर डेथ। मैं अलग अलग कलर से कर रही हूँ ताकि आपको आराम से निशान आपको मिल सके। ग्रेव क्या हो किसी की जो जहाँ पे जो बॉडी होती है उसको दफनाते हैं। ठीक है, ये क्या है ये रहा अ प्लेस वेयर अ बॉडी इज ब्यूट, मतलब जब इसको दफनाते हैं। इंसेंस माने क्या सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्वीट स्मेल व्हेन बर्न, जब ये क्या होती है अगरबत्ती जो होती है ना उसको ही हम जब वो जलती है तो बहुत अच्छी खुशबू देती है उसको हम बोलते हैं इंसेंस इंग्लिश में और अगरबत्ती। टॉम क्या होता है क्या है एक ये रहा क्या स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ ग्रेव, कि जो एक स्ट्रक्चर जब क्या जब कोई ग्रेव होती है जब कब्र होती है उसके चारों तरफ के एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको टॉम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये मैच अपना बेटा यहाँ कर लेना। अब चलते हैं आगे कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। हम जो पैसेज पढ़ा हमने पैसेज पढ़ा अब इसके जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। द फार्मर्स मॉर्न्स ओवर, जो फार्मर था उसको किसकी किस पे दुख हो रहा था, डॉग फ्रीजर पे, डॉग की डेथ पे या डॉग के ड्रीप पे, किस पे हो रहा था डॉग की डेथ पे। तो हमारा क्या है बी, हमारा क्या है सही आंसर इसका क्या है बी। अब ये क्या है क्वेश्चन क्या है बी का कि आफ्टर द डेथ ऑफ द डॉग हीज ऑनर वेंट एट अ नाइट अंडर द पाइन ट्री, जब वो डॉग का जो ओनर था वो पाइन ट्री रात पे पाइन ट्री के पास गया क्यों गया था। स्टार्टेड मॉर्न फॉर ही मतलब उसके जो मॉर्न करने के लिए या सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड एज स्टॉर्म, क्या है वो जो ग्राउंड जैसे स्टॉर्म के चारों तरफ
बैम्बू स्टिक लगी थी उसको क्या है वो लगाने गया था, उसका आंसर क्या है बी। हुज स्पिरिट अपीयर्ड इन द फार्मर्स ड्रीम, के जो फार्मर का जो फार्म का जब सपना आया तो किसका आया, किसका आया था, डॉग का। ठीक है, तो हमने ये निशान लगा लिया, आप भी बेटे यहाँ से कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रीड द फ्लोइंग लाइन्स एंड ड्रो द मेंटल इमेज दैट गेट्स क्रिएटेड। अब आपको ये लाइन पढ़नी है और यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है कि मेंटल स्टेट क्या होगी ये लाइन पढ़ के। कि ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, के उसने ग्राउंड पे कुछ बैम्बू ट्री लगाए, बैम्बू स्टिक लगाई। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स भी रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सम कॉस्टली स्टिक। ये आप क्या है, जैसे ये आपको जैसे डायग्राम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से स्टॉम बनाइए, ये आप डोगी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है कप ऑफ ट्रे वाटर रखें, यहाँ पानी रखें, ये ट्रे रखें, ट्रे पे बहुत सारा खाना रखें, ठीक है। यहाँ पे क्या है अगरबत्ती जलाएं, जैसे इंसेंस बोलते हैं उसमें से हम क्या है यहाँ पे अगरबत्तियाँ लगाएंगे जगह जगह, इसमें से धुआं निकालते हुए दिखाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, या आप और अच्छे तरीके से जो आपको समझ में आता हो वो आप बेटा बना सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की 7th क्लास की बेटा इंग्लिश की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, बाय बच्चों। हाँ, कोविड 19 से बच के रहिएगा, ठीक है बेटा, बाय बच्चों।